दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ अपनी डाइट को फॉलो कर अपनी किडनी की बीमारियों से आराम से लड़ सकते हैं। आपकी डाइट ही आपकी किडनी के इलाज का 50% हिस्सा होती है, यानी कि आप जो चीजें खा रहे हैं वो आपकी किडनियों की बीमारियों पे बिल्कुल असर करेगी। अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे जो आपकी किडनी के डाइट का हिस्सा नहीं है तो आपकी किडनियां और तेजी से खराब करती जाएंगी। पर वहीं अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो किडनी की बीमारियों में आपके लिए लाभदायक है तो आपकी किडनी की बीमारियों को धीरे किया जा सकता है और आपकी किडनियों का इलाज भी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो सकता है। आपको किडनी की बीमारी के दौरान कुछ सेलेक्टेड सब्जियां खानी होती हैं। ऐसी सब्जियां जो किसी पौधे पर फल के रूप में लगती हैं, ऐसी सब्जियां आपकी किडनी की बीमारियों में काफी फायदेमंद हो सकती हैं। चलिए आज एक ऐसे ही फल के रूप में लगने वाली सब्जी के बारे में बात करते हैं। इस सब्जी का नाम है करेला। करेला ज्यादातर लोगों की फेवरेट सब्जी नहीं होती, ज्यादातर लोग इसे खाने से अवॉइड ही करते हैं। पर आपको पता ही होगा करेला एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। आप आज तो इसे अवॉइड कर सकते हैं पर आगे चलकर आपको अपने बुढ़ापे में सिर्फ करेले ही खाने पड़ेंगे और किडनी की बीमारियों में यह आपके काफी फायदेमंद हो सकता है। करेले का टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है पर इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। करेले को इंग्लिश में बिटर गाउट कहा जाता है और ये एक सीकेडी के पेशेंट के लिए काफी अच्छी सब्जी बन सकती है और आपकी किडनी के डाइट का हिस्सा भी बनाई जा सकती है। करेले में इन्फेक्शन से लड़ने की प्रॉपर्टीज रहती हैं। किडनी की बीमारी के दौरान एक इंसान के शरीर में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपके पेट में भी तरह तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं जिससे आपका पेट भी हमेशा दर्द सा बना रहता है। आप करेले को सब्जी के रूप में खाएं या करेले का जूस पिए तो इससे आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता रहता है और आपके शरीर को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एब्डोमिनल इन्फेक्शन से लड़ने में काफी मदद मिलने लगती है। आपके शरीर में और तरह तरह के दर्द नहीं होंगे और तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी। आपकी बॉडी का बीमारियों से लड़ने का रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन से भी आप दूर ही रहेंगे। आपके शरीर में बेकार टाइप के बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और अगर ये बन भी गए तो धीरे धीरे इनका खात्मा होता जाएगा। करेला किडनी की बीमारियों के दौरान किडनी स्टोन में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। किडनी स्टोन एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है जो किडनी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह भी होती है। अगर आप करेला खाएंगे तो आपका लिवर हेल्दी बना रहेगा और आपका ब्लैडर भी बिल्कुल हेल्दी काम करता रहेगा। अगर आपका लिवर हेल्दी रहा तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स और ज्यादा तेजी से गायब होते जाएंगे और चूंकि आपका खून ऑलरेडी साफ रहेगा आपकी किडनियों को इन्हें साफ करने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी किडनियों पर पड़ने वाला बर्डन कम होता जाएगा और आपको काफी अच्छा महसूस होने लगेगा। करेला एक डायरेटिक भी होता है जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। इससे आपका किडनी स्टोन भी धीरे धीरे डिजॉल्व होता रहता है और आपके शरीर के टॉक्सिन्स आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकलते जाते हैं। हर अच्छी सब्जी की तरह करेला भी आपका ब्लड प्रेशर कम करने में आपकी काफी मदद कर सकता है। अगर आपको क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हो रखी है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी हमेशा हाई रहता हो। ऐसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना पड़ता है ताकि उनकी किडनियों पर और ज्यादा जोर ना पड़े। किडनी की बीमारी के दौरान अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर भी होगा तो आप हार्ट की बीमारी से या किडनी फेलियर से तेजी से मरते जाएंगे। आपको जरूरत है कि आप इस ब्लड प्रेशर को करेला खाकर कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाइयां तो आती हैं, लेकिन ये एलोपैथी दवाइयां आपकी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाती और आपके शरीर को इनकी आदत भी बनने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप नेचुरल तरीके जैसे कि करेला खाकर आप इस ब्लड प्रेशर को कम करते जाएं। और करेले में खुद ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं जो आपके खून की तरह तरह की गंदगियों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपके शरीर से टॉक्सिन्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं और आपकी किडनियों को यही काम करना होता है, तो इसलिए ये काम करने की जरूरत ना पड़ने के कारण आपकी किडनियां और अच्छे से फंक्शन करने लगती हैं। क्या खाएं और क्या नहीं ये जानने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन और एक्सपर्ट डॉक्टर से नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर किडनी के पेशेंटों की किडनी की बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक कर दिखाते हैं। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।